हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लाइमेट क्लासेस, क्लाइमेट योर ट्रू स्टडी मीट। सो अभी तक हमने जितने भी सेशंस कंप्लीट किए हैं, कवर किए हैं, अगर आपने उनको कवर अप नहीं किया है सो गो एंड चेक इट आउट। सारे क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल मिलेंगे एंड अगर हमारे क्लासेस आपको अच्छे लगे सो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। एंड हमारे अपकमिंग क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। जैसे कि आपको पता है कि हमारा CHSS जो स्टूडेंट्स के लिए हमारे डिज़ाइन किया गया है क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशन, जहां पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं हाईली डेफिनेटेड एनिमेटेड क्लासेस, लाइव क्लासेस, यूट्यूब बेस्ड डाउट क्लियरिंग क्लासेस, डेली प्रैक्टिस टेस्ट एज वेल एज वीकली टेस्ट। ये सारी चीज़ों के आप बेनिफिट ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशन, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल प्ले स्टोर और यू कैन से अपने ऐप स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो डू डाउनलोड आवर क्लाइमेट क्लासेस एप्लीकेशंस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल क्लाइमेट क्लासेस। सो एज हमने डिस्कस किया है, प्रीवियस टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस पे, एंड अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। सो अगर आपने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कवर अप नहीं किया है सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पहले आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखें, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम में हम कॉम्बिनेशंस का एक मेजर पार्ट हम उसको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जानेंगे बाइनोमियल क्या है। सो अगर सपोज बाइनोमियल हमारा टर्म क्या है उस पर एक बार मूव कर लेते हैं। ओके, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है क्या चीज? तो बाइनोमियल जैसे कि वर्ड डिफाइन हो रहा है खुद में ही कि बाइनोमियल है, इन द सेंस टू टर्म एक्सप्रेशन है हमारा। सपोज कि हमारा बाइनोमियल टर्म क्या है, एक अगर हम सपोज एक ले लेते हैं, एक्स एक टर्म है एंड एक वाई है एंड ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस और से माइनस। यहां पर हम क्या ले रहे हैं, हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्स एंड वाई, ये दो एक्सप्रेशन को हमने क्या लिया, ऑपरेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर प्लस और माइनस। तो इनमें से हम बोल सकते हैं कि आपका क्या हो जाएगा, एक एक्सप्रेशन फॉर्म कर रहा है एक्स प्लस वाई और एल्स एक्स माइनस वाई। अब हम ये तो हम बोल दी कि चलो एक्स प्लस वाई या एक्स माइनस वाई ये हमारा क्या टर्म डिफाइन कर रहा है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। बाइनोमियल थ्योरम क्या है तो उस पर भी हम मूव करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या होने से पहले कि वो क्यों यूज किया जा रहा है उस पर देखेंगे। तो अगर सपोज जैसे कि हम जान रहे हैं एक्स प्लस वाई है या एक्स माइनस वाई है, अब अगर इनका जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है कि अगर एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर करते हैं, थोड़ा हम डेफिनेशन पे जाएंगे कि अगर सपोज इसका पावर जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या होंगी, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, एनीथिंग टू द पावर अगर मैं वन डाल रही हूँ, एक्स प्लस वाई टू द पावर वन डाल रही हूँ, बाइनोमियल एक्सप्रेशन हमारा उसका रेज कर रही हूँ पावर बाय वन, तो इसकी टर्म क्या आ जाएगी, एज इट इज एक्स प्लस वाई ही रहेगी। सिमिलरली एक्स प्लस वाई अगर हम स्क्वायर डालें तो जैसे हमने अभी तक पढ़ा है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई एंड प्लस वाई स्क्वायर, तो यहाँ तक हम जानते हैं, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब को भी पता है। लेकिन सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर डालूँ कि हमें जीरो नहीं लेना है, वन नहीं लेना है, टू नहीं लेना, अगर मैं इसका पावर रेस कर रही हूँ फाइव टाइम, ठीक है, तब इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमारा यूज हो जाता है बाइनोमियल थ्योरम का, जब हम मतलब कि अगर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम उसकी पावर रेस कर रहे हैं टू दी एंथ टाइम, सपोज कितने भी हैं हमारा अगर एंड पावर उसका रेज कर रहे हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, उसको हम कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो ये सारी चीज़ें जो हम फाइंड करेंगे ये होगी विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम में। ओके, सो बाइनोमियल थ्योरम से एक और एक्सप्रेशन है जो कि हम बोल सकते हैं पास्कल्स लॉ, जहाँ पर हम ये जो पावर रेज है कर रहे हैं तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं उसको जान लेंगे। तो सपोज अगर मैं सिंपली एलिमेंट ले रही हूँ ए प्लस बी टू द पावर जीरो है, तो उसका हमारा ये क्या फॉर्म करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, वन होगी, एनीथिंग टू द पावर जीरो, वी नो दैट एनीथिंग टू द पावर जीरो इज वन, राइट। तो सिमिलरली अगर ए प्लस बी है, ये दोनों एक्सप्रेशन की पावर अगर मैं रेज कर रही हूँ जीरो में, तो ये क्या होगी, इनकी वैल्यू ऑब्वियसली नन अदर देन वन। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करें, यहाँ तो चलो हमारा एक्सप्रेशन है और उसके एक्सपेंशन है एंड इस तरफ हमने राइट हैंड साइड क्या करना है, उसके कोफिशियंट्स को लिखेंगे, इसके कोफिशियंट्स को हम नोट डाउन करेंगे, कोफिशियंट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे ए प्लस बी टू द पावर जीरो है,
इसकी वैल्यू क्या मिली 1, तो हमने इनका एक्सप्रेशन नोट कर दिया 1। सिमिलरली a प्लस बी टू दी पावर 1 है, एनीथिंग टू दी पावर 1 वो क्या होगा, सेम वैल्यू देंगी a प्लस बी। तो यहाँ पर अगर देखो a के कोफिशियंट क्या दिए गए हैं, a के कोफिशियंट क्या है 1 है, b के कोफिशियंट क्या है अगेन 1 है, राइट, क्योंकि एक्सप्रेशन टू दी पावर 1 अगर किसी भी चीज के लेंगे तो वो सेम ही देंगे, राइट। सिमिलरली a प्लस बी का अगर मैं होल स्क्वायर ले रही हूँ, सो ऑल यू नो आप बोलेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये हमने बचपन से पढ़ा है। सिमिलरली इसको किस तरह से इसके कोफिशियंट्स को लिख देंगे 1 2 1, ठीक है। अब सिंपली एज हमने बोला कि पास पास ट्राइंगल लो, सिमिलरली हम a प्लस बी के होल क्यूब एंड a प्लस बी के होल टू द पावर 4 अगर हम एक्सपैंड करें और उनके कोफिशियंट्स को लिखें तो वो कुछ इसी तरीके से आएंगे 1 3 3 1 1 4 6 4 1। तो यहाँ पर हम पास्कल्स लॉ क्या बोल रहे हैं, पास्कल्स ट्राइंगल लॉ क्या हो रहे हैं कि अगर ये जो एक्सप्रेशंस हमारे फॉर्म हो रहे हैं, सारे कोफिशियंट्स जो फॉर्म हो रहे हैं, इनको हमें क्या करना है ना, एक ट्राइंगल लॉ में लिखें। तो हमें इनमें मिला क्या, फर्स्ट हम एक चीज़ नोट किए क्या कि जो हमारा फर्स्ट एंड जो लास्ट कोफिशियंट है ये हमेशा क्या फॉर्म कर रहा है, 1 फॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, अगर इसको ट्राइंगल वे में लिखे तो हम सिंपली अगर ट्राइंगल फॉर्म में लिखे ना लिखे, फर्स्ट हम यहाँ पर क्या मिल रहा है कि इसका फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन क्या हो रही है, इनकी वैल्यू आ रही है हमेशा 1 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या इनमें नोट किया गया, इनको जब हम ट्राइंगुलरली लिख रहे हैं तो इसका देखेंगे कि हमने, चलो फर्स्ट एंड लास्ट तो 1 रह गया, बीच के एलिमेंट्स का क्या, तो बीच के जो एलिमेंट्स हो रहे हैं ना वो सम हो रहे हैं उनके अपर 2 एलिमेंट्स को। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें 1 के कोफिशियंट क्या होगी, यहाँ पर कुछ नहीं है तो सपोज से 0, तो 0 प्लस 1 क्या आ रहा है, 1 आएगी। सिमिलरली राइट हैंड साइड भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 आया, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट वाले पे, 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2 आया, 2 प्लस 1 यहाँ पर क्या फॉर्म कर रही है, 3 आ रही है, 2 प्लस 1 अगेन 3। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट में मूव करें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस बी टू द पावर होल 4 अगर बोला गया है तो हम क्या करेंगे, उसके प्रीवियस वाले को देखेंगे तो क्या है, a 1 प्लस 3 दैट इज 4। एज यू नो हमने बोला कि फर्स्ट एंड लास्ट हमारा यूजुअली 1 रहेगी, राइट। तो 3 प्लस 1 अगेन 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4। तो ये हमारा क्या फॉर्म कर रहा है, पास्कल्स ट्राइंगल्स लॉ क्या बता रहा है कि अगर हमें कोई भी पावर दे तो हम क्या करेंगे, ट्राइंगल लॉ में क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर हम 1 डाल के फिर इसके आगे के कोफिशियंट्स हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो चलो समझ में आ गया कि हाँ चलो पास्कल्स जो ट्राइंगल लॉ है ये एक तरह से हम निकाल लेंगे। लेकिन अगर सपोज मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दे दूँ, एक्स प्लस वाई टू द पावर 7, चलो x प्लस वाई लिखती हूँ, a प्लस बी टू द पावर 7 लिखा गया है, तो क्या करेंगे, तब भी इतना ट्राइंगल लॉ लिखेंगे कहाँ तक जाएंगे, 7 टाइम्स जाएंगे, ठीक है। एक तरीके से अगर आप बोलोगे तो चलो कर भी लिए, ठीक है। अगर 17 बोल दिया गया तो यहाँ पर क्या होंगे, प्रॉब्लम आएंगे कि आप कितने बड़े ट्राइंगल बनाओगे एंड कब तक बनाते जाओगे। 17 है, अगर ये 27 डाल दिया या फिर मतलब कि कोई भी बड़े नंबर डाल दिया, अगर सपोज 73 है या 33 है या कोई भी एलिमेंट्स हमने अगर बड़े एक्सप्रेशन डाल दिए तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हमारा एक शॉर्ट टर्म में अगर बोला जाए तो इनको हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम क्या है। सो बाइनोमियल थ्योरम जो डिफाइन हो रहा है वो क्या है कि से a प्लस बी, a एंड b अगर कोई भी रियल नंबर है, ठीक है, एंड पावर हमारा क्या हो रहा है, कोई nth पावर है जो कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि एक्सप्रेशन हमारा किस तरीके से आएगा, उसका एक्सपेंशन क्या होंगी। तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशंस का हेल्प लेंगे, क्या है कॉम्बिनेशंस, NC0, फिर क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, a है, तो n माइनस आर, चलो n माइनस 0। फिर यहां पर आ गया हमारा टर्म क्या, b, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है, b है, तो b टू द पावर 0। अब यहां से हम एक एक करके एक्सपैंड करते हुए जाएंगे, एक एक करके काउंटिंग बढ़ाते हुए जाएंगे, NC0 हो गया, उसके बाद सेकेंड एलिमेंट NC1, यहां पर आ गया a, n माइनस 1 b1, NC2 a टू द पावर n माइनस 2 b2, NC3 a टू द पावर n माइनस 3 b3, ऐसे करके हमारा कब तक जाएगा, जब तक हमारा टर्म NCN और यहाँ पर n माइनस n ना हो जाए एंड b टू द पावर अगेन हमारा n आ जाए। तो यहाँ पर हमने क्या क्या नोटिस किया,
फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे क्या नोटिस किया कि हमारा जो एन सी जीरो है, ये हमारा जो टर्म है कोफिशियंट है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जितना हमारा पावर दिया गया है वहां से, एंड जो काउंट स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट क्या है, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या होगी, ए टू द पावर एन माइनस जीरो। एन माइनस जीरो मतलब कि जो हमारा टोटल टर्म माइनस जो हम जिस टर्म में है काउंट स्टार्ट हो रहा है, बोल सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म माइनस हमारा काउंटिंग नंबर जीरो। सिमिलरली बी क्या हो रहा है, वही कोफिशियंट का वैल्यू है जीरो। ठीक है, सिमिलरली आगे उसकी इसी तरीके से अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे, एन सी वन ए टू द पावर एन माइनस वन बी टू द पावर वन। ठीक है, जैसे जैसे हमारी काउंटिंग बढ़ती हुई जाएगी एन और बी की वैल्यू भी वैसे ही वैसे चेंज होती जाएंगी। नेक्स्ट इसमें हम वहां क्या कर सकते हैं क्या, कि अगर आप इन दोनों एलिमेंट्स को काउंट कैलकुलेट करो, एन माइनस जीरो प्लस जीरो वैल्यू क्या आई, एन आई। यहां पर भी देख लेते हैं, एन माइनस वन प्लस वन वैल्यू कितने आ गई, अगेन आई। सिमिलरली आप जितने को भी कैलकुलेट करो, एन जितने को भी कैलकुलेट करो आपका टर्म क्या मिलेगी, एन माइनस आर प्लस, अगर आर करती है तो मुझे वापस से वैल्यू क्या मिलेगी, एन ही मिलेगी। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा जो डेफिनेशन दिया गया है क्या है, ए प्लस बी, इसको शॉर्ट टर्म में लिख रहे हैं कि ए प्लस बी अगर टू द पावर एन दिया गया है तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे, सबमिशन ऑफ एलिमेंट एन सी आर, वेयर ए टर्म्स का पावर क्या हो जा रहा है, एन माइनस आर, एंड बी की पावर क्या हो जाएगी, आर। एंड ये स्टार्ट कहाँ से, अकाउंट स्टार्ट हो रहा है हमारा जीरो टू कहाँ तक जाएगी, एन तक जाएगी, जो हमारे टर्म का पावर है वहां तक जाएगी। तो इस जो हमारा एक्सप्रेशन आया ना यहाँ पर, अगर हमारा एन है तो हमको लग रहा है कि बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो ये सबसे ईजी वे है। ठीक है, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे, a प्लस बी टू द पावर n है तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, समीशन ऑफ r स्टार्ट फ्रॉम 0 टू n, एन सी आर ए टू द पावर n माइनस आर बी टू द पावर r। अब चलो इसके ऊपर, ये तो चलो हमने फॉर्मूला जान लिया, लर्न भी अप्रॉक्स आप कर लेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चंस हो जाएंगी, क्वेश्चंस समझ में आ जाएगा तो आप फॉर्मूला अपने आप हमारा सॉल्व होगा। सो लेट्स सी, एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, x प्लस वाई टू द पावर 7 गिवन है। ठीक है, x प्लस वाई टू द पावर 7 है, एज यू नो ए प्लस बी टू द पावर n हमने अभी जिस तरीके से सॉल्व किया, क्या था, एन सी आर इंटू ए टू द पावर n माइनस आर इंटू बी टू द पावर r है, राइट। तो उसी को ही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पर हेल्प लेंगे। तो फर्स्ट क्या दिया है, n कौन है यहाँ पर, हमारा n हो रहा है यहाँ पर 7 है, n की वैल्यू क्या है 7 है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है हमारा यहाँ पर x, सेकेंड एलिमेंट क्या है हमारा है यहाँ पर x, सेकेंड एलिमेंट है y। ऑपरेशन क्या यूज हो रही है, एडिशन की ऑपरेशन यूज हो रही है हमारे यहाँ पर, एडिशन की। सो स्टार्ट करते हैं, तो n c r, r यहाँ पर हम जैसे अभी आपको बोला काउंट स्टार्ट होगा हमारा जीरो से, जीरो आई, फर्स्ट एलिमेंट x टू द पावर 7 माइनस जीरो, y टू द पावर 0, 7 c 1, x टू द पावर 7 माइनस 1, y टू द पावर 1, 7 c 2, x टू द पावर 7 माइनस 2, y टू द पावर 2, 7 c 3, x टू द पावर 7 माइनस 3, y टू द पावर 3। अगेन इसको हम सिंपली इसी तरीके से लेके जाएंगे, कहां तक लेके जाएंगे, जब तक हमारा 7c7 ना आ जाए। ओके, इसको हम कहां तक लेके जाएंगे, जब तक हमारा टर्म जो है वो 7c7 ना आ जाए। ओके, तो हियर वी गो, 7c5 x टू द पावर 7 माइनस 5 इंटू y टू द पावर 5, 7c6 x टू द पावर 7 माइनस 6 y टू द पावर 6, 7c7 x टू द पावर 7 माइनस 7 y टू द पावर 7। अच्छा, यहाँ पर हम एक और चीज देख सकते हैं, क्या है कि अगर हम नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करें कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स हमारे यहाँ पर मिलेंगे, सो ये 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो यहाँ पर आपको याद करेंगे क्या है कि अगर हमारा कोई भी नंबर दिया है x टू प्लस वाई टू द पावर n है, और अगर हमें यहाँ पर पूछा गया है फाइंड करनी है टोटल नंबर, फाइंड दी टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन फाइंड करना है, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, n प्लस 1। ओके,
ठीक है, तो इसी तरीके से लिखेंगे x प्लस वाई टू द पावर n है, तो टोटल नंबर ऑफ एक्सप्रेशन हो जाएगी n प्लस वन के टर्म में। ओके, तो अब हमने एक्सपैंड करना है, सेम चीजें यहाँ पर मैंने आपको नोट डाउन करके लिखा गया है, तो करते हैं सॉल्व। एन सी जीरो है, सेवन सी जीरो एक्स टू द पावर सेवन, सेवन माइनस जीरो अगेन सेवन, वन आ गया। आप वैसे ही आप कैलकुलेट करो, एन सी वन एक्स टू द पावर सिक्स, वाई टू द पावर वन, सेवन सी टू एक्स टू द पावर फाइव, वाई टू द पावर टू, सेवन सी थ्री एक्स टू द पावर फोर, वाई टू द पावर थ्री, सेवन सी फोर एक्स टू द पावर थ्री, वाई टू द पावर फोर, सेवन सी फाइव एक्स टू द पावर टू, वाई टू द पावर फाइव, सेवन सी सिक्स एक्स टू द पावर वन, वाई टू द पावर सिक्स, सेवन सी सेवन एक्स टू द पावर जीरो, वाई टू द पावर सेवन। तो यहाँ पर अगर आप फिर भी एक बार चीज नोट करेंगे, जब भी आप लिखोगे एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर आपको क्या चीज की ध्यान देनी है कि ये दोनों टर्म का एक्सप्रेशन हमारा जो पावर है वो आनी चाहिए, ठीक है। एंड नेक्स्ट थिंग क्या कैलकुलेट करना है कि कितने एलिमेंट्स आपने नोट डाउन किए हैं। तो अगर देखेंगे आपका टोटल एक्सप्रेशन एट, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, एट होनी चाहिए। एंड जो एक्स की पावर है, फर्स्ट एलिमेंट की पावर कीप डिक्रीजिंग। हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान ये देनी है जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट जो एलिमेंट है या हम बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म है, ठीक है, जो फर्स्ट टर्म है उसकी जो पावर है वो हमेशा डिक्रीज हो गई, पावर कीप डिक्रीज होते हुए चलेगी, ये चीज ध्यान रखना है। एंड जो हमारा सेकेंड टर्म है, जो सेकेंड टर्म है इसकी क्या होगी, पावर जो होगी वो कंटिन्यू एक एक करके स्टेप वाइज इंक्रीज होते हुए चलेंगी। ओके, तो ये चीज जो कि ध्यान रखना है कि फर्स्ट टर्म का हमारा जैसे भी ये पावर डिक्रीज कर रहा है, सेकेंड टर्म का पावर इंक्रीज कर रहा है, एंड हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होने चाहिए, एन प्लस वन। सो यहाँ पर अगर सेवन है तो सेवन प्लस वन, यहाँ पर हमें कितने मिलेंगे टर्म्स, एट मिलेंगे। अब सिंपली सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सॉल्व करने का हमारा प्रोसेस आपको याद है कि हमने किस तरीके से सॉल्व करता था, एनसीआर की फॉर्मूला। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एनसीआर का टर्म है, रिकॉल करेंगे क्या था, एन फैक्टोरियल होल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ओके, तो इसी टर्म को हम यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे, NC0 है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक देखेंगे, NC0 वैल्यू क्या होगी, 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 7 माइनस 0 फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, राइट। तो आप इसका टर्म कितना आ गया आपका 1, यहां से सेम प्रोसेस है, 7C7 है, तो आपका ये क्या हो जाएगी वैल्यू, 7 फैक्टोरियल होल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 अगेन आपका आ गया 0 फैक्टोरियल, तो ये अगेन आपका आ गया 1। तो ये तो हमारा तय है कि फर्स्ट एंड लास्ट एक्सप्रेशन, या फिर हम देखेंगे एन सी आर, ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हो, एन सी आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन सी, एन माइनस आर के टर्म्स में हमारा इक्वेट होती थी, राइट। तो उसकी तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा टर्म क्या आ जाएगा, हमारा आएगा एक्स टू द पावर सेवन, सेवन एक्स टू द पावर सिक्स वाई, ट्वेंटी प्लस 21 एक्स टू द पावर 5 वाई स्क्वायर, प्लस 35 वाई एक्स टू द पावर 4 वाई क्यूब, सेम प्लस एक्स 35 एक्स पावर क्यूब वाई टू द पावर 4, प्लस 21 टू द पावर आई मीन 21 एक्स टू स्क्वायर, प्लस वाई टू द पावर 5, प्लस 7 एक्स वाई टू द पावर 6, प्लस वाई टू द पावर 7। ओके, तो इसका हम एक्सप्रेशन सॉल्व करके आपको सेम सोल्यूशन फॉर्म कर सकते हो। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसको देखें तो ये किस तरीके से आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगर ये माइनस में दिया है तो क्या करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर हमारा कोई भी टर्म माइनस में दिया है, प्लस में दिया है, इसको देखकर के हमको बिल्कुल भी टेंशन लेनी नहीं है। क्या है कि अगर सिंपली अगर दिया हुआ है, अगर सिंपल आप देखोगे कि a प्लस बी, हमने बोला a प्लस बी की पावर n की फॉर्मूला हम जानते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना कि अगर मेरा a माइनस बी बोला है, अगर मेरा a माइनस बी बोला, अगर हम इसको चेंज करके अगर इस तरीके से लिखें, a माइनस बी टू द पावर n दिया है, हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस माइनस ऑफ b टू द पावर n होल टू द पावर n, राइट। मतलब हमने b को क्या लिया, उसका माइनस b के अंदर डाल दिया,
ठीक है, तो इसी टर्म को लेकर के हम आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, 2x माइनस 3y होल टू द पावर कितना दिया गया है, 4, 4 दिया है। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं हमारे पास टोटल एक्सप्रेशन कितने टर्म्स आ जाएंगे, हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे 5 टर्म। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। पावर क्या है 4, स्टार्ट क्या होगा 4 सी, 0 से स्टार्ट होगी, काउंट हमारी हमेशा स्टार्ट होगी 0 से, राइट। तो nth टर्म कितने हैं, nth की वैल्यू 4 है, यहाँ पर देख लेंगे nth की पावर 4 है। फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म है हमारा 2x, सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है माइनस ऑफ 3y। ठीक है, अब काउंट स्टार्ट करते हैं, 4 सी 0, 2x टू द पावर 4 माइनस 0, अगेन हमारा 4 आ जाएगा, माइनस 3y टू द पावर, काउंट स्टार्ट हुआ था 0 से वैसे ही स्टार्ट करेंगे। 4 सी 1, 2x 4 माइनस 1 3, माइनस 3y टू द पावर 1, ओके। 4 सी 2, 2x टू द पावर 4 माइनस 2, अगेन यहां पर 2 आ जाएगी, माइनस 3y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, अगेन स्क्वायर। 4 सी 3, यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, 2x टू द पावर 4 माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 1, एंड माइनस 3y क्यूब हो जाएगी। प्लस 4 सी 4, 2x टू द पावर 0 माइनस 3y x टू द पावर क्या हो जाएगा, माइनस 3y टू द पावर क्या हो जाएंगी, 4 हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपैंड करनी है। 4 सी 0 है, किसी भी टर्म हमारा क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 ही आएगी, राइट। अब 2x टू द पावर 4 है, 2 टू द पावर 4 कितना आ गया, 16, x टू द पावर 4 एज इट इज रहेगा, माइनस 3y, एनीथिंग टू द पावर 0 इज व्हाट, 1, ओके। सिमिलरली 4c1 है, 4c1 को आप सॉल्व करो किस तरीके से करेंगे, 4c1 आ गया हमारा 4 फैक्टोरियल होल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल दैट वी कैन से इज 4, राइट। सो ये आ गया 4। 2 क्यूब क्या है, 2 क्यूब आ गया आपका 8 क्यूब, x टू द पावर 3, अब यहां पर माइनस 3xy, आई मीन माइनस 3y, प्लस 4c2 है, 4c2 अगर है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं किसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ncr के फॉर्मूले में हम डाल के सॉल्व करेंगे, दैट इज 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आप इसको सॉल्व करो तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 6, है ना। और एल्स आप यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हो, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, आई मीन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगी, एंड ये 2, 3 टू जा 6, ठीक है। इसी टर्म में आ जाएंगे, 2 की स्क्वायर क्या हो गई, 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4x स्क्वायर। अब देखो माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर अगेन आपका आ गया पॉजिटिव 9, एंड y स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा y, 4c3, तो 4c3 हम अगर कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली ncr के फॉर्मूले में डालो, nc n माइनस r के फॉर्मूले में डाल दो, तो ये आ जाएगा 4 2x, अब माइनस 3 टू द पावर क्यूब है, माइनस 3 टू द पावर क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 27y क्यूब, राइट। प्लस 4c4 है, 4c4 अगेन हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1, 2x टू द पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 का वैल्यू क्या हो जाएगी, ओनली 1, राइट, 1 रह गया। अब माइनस 3 टू द पावर 4 है, एज यू नो माइनस है, पावर इवन है, तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, एंड 3 टू द पावर 4 अगेन आ गया हमारा 81y टू द पावर 4। अब हमें क्या करना है, इन सिंपली जो टर्म्स हमें मिले हैं, जो प्रोडक्ट करना है उसको प्रोडक्ट करेंगे, बाकियों का एज इट इज रहने देंगे। तो ये आ गया 16 टू द पावर 16 एक्स टू द पावर 4, इनकी कैलकुलेशन आ गई, यहाँ पर माइनस है तो एक काम करते हैं माइनस डाल देंगे, राइट। तो ये आ जाएगी 96 एक्स क्यूब वाई, सेम टर्म यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 216 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा माइनस 216 एक्स वाई क्यूब, यहाँ पर आपका वैल्यू कितना आ जा रहा है 81 वाई टू द पावर 4, ओके। तो ये जो हम टर्म है, कैलकुलेट आप करना चाहो तो टर्म्स कैलकुलेट कर सकते हो, कितने टर्म मिले, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सिमिलरली हम जैसे अभी अपने कहा क्वेश्चन, जो n प्लस 1 हमारे टर्म्स मिलेंगे अगर nth पावर है तो, ठीक है, तो हमने कितने मिले टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अगर आप देखना चाहो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं हमारे पास, 5, ओके। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अगर हमारा सेम क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर थ्री एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 1 + x + x² / 3 है। अगर हमारे इस टर्म का एक्सप्रेशन दिया तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं कि ये जो टर्म है ना वो x + x², इसको क्या करेंगे, हम एक अनदर वेरिएबल ले जाएंगे 1 + y। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गिवन है कि 1 + x + x² / 3। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास कितने एक्सप्रेशन है, कितने टर्म्स है, थ्री है, एक वन है, एक्स है एंड एक्स स्क्वायर है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने तो a + b² n टर्म डाला था ना, हमने अभी तक हमने क्या फॉर्म किया, a + b² n की फॉर्मूला अभी तक अप्लाई किया, उसके फॉर्मूले को डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पर हमारा कितना दिया है, थ्री टर्म दिया है, a + b + c² n दिया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक काम करेंगे, ये जो b + c है इसको हम अनदर वेरिएबल ले जाएंगे। तो ये हमारा किस तरीके से आ जाएगा, सपोज ये मेरा a है तो a + d² n, ठीक है, और d यहाँ पर क्या है, d है हमारा b + c की वैल्यू, ठीक है। तो हम एक एक्सप्रेशन डाल देंगे कि किसी भी दो टर्म को हम कैलकुलेट करके उसको अनदर टर्म में डाल दिया। तो से यहाँ पर अगर आप देखना चाहो तो क्या है, x + x² को हमने क्या लिया, एक अनदर वेरिएबल अज्यूम किया जो कि है y, ठीक है। तो अब वैसे ही अज्यूम करेंगे y की वैल्यू क्या हो गई, x + x² और हमारा टोटल एक्सप्रेशन क्या हो गया, 1 + y² तो सिंपल है, आप अगर याद है आपको a 1 + y³ तो आप वैसे डाल दें, और एल्स हम यहाँ पर फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, 3c0 1³ y⁻⁰, ठीक है, 3c1 1⁻² y⁻¹ हो गया, 3c2 यहाँ पर क्या हो गई, 1 की वैल्यू 3 - 2 1 रह गई, एंड y की वैल्यू क्या आ गई, 2 हो गई, 3c3 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस करने से 0 हो जाएगी। तो उसको हम पूरी तरीके से उसको उड़ा सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर उड़ा दिया था, यहाँ पर हमने 0 लिखा है, तो 1 - 1⁻⁰ चलो लिख ही देते हैं, 1⁻⁰ एंड y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यूब। इसको जब एक्सप्रेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 + यहाँ पर क्या आ गई, 3y² + y³, ठीक है। इस तरीके से अब हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ पर जैसे पहले हमने लिखा y की वैल्यू अज्यूम किया था ना x + y³, तो हम यहाँ पर y के जगह पे सारे जगह पे उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे वापस से जो हमने x y की अज्यूम की थी वैल्यू। तो अगेन आ गई आपकी 1 × 3, ये y क्या हो गई, x + x², तो चलो इसको एक्सपेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, 3y² है, तो x + x² अगेन आप फाइंड कर सकते हैं, एंड y³ है तो x + x² आप वैसे ही फाइंड करेंगे एनसीआर के टर्म्स में, ठीक है। तो ये आ गया 1 3x + 3x² अगेन हम ये 3a + b² है, अगर आप डायरेक्टली पुट करना चाहो तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो, एनसीआर के टर्म्स में डालना है एनसीआर के टर्म्स में डालिए, तो ये क्या हो जाएगा, x + x² की होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, a² + 2ab, तो ये आ जाएगी 2x³, अगेन b² x²² तो ये हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x²² हम x⁴ लिख देंगे, प्लस अब यहाँ पर आया होल क्यूब का, तो सेम आप एनसीआर के टर्म्स में डालिए या फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी डाल सकते हैं, a³ + 3ab², तो ये आपका आ गया ⁵, 3x⁴, अच्छा यहाँ पर चेंज करेंगे, नेक्स्ट आ गया आपका x³ + 3x⁴ हो गई हमारी, x² + x² करने से, फिर 3x⁵, ये आ गई अगेन x⁶। अब सिंपली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टर्म कितना आ जाएगा, एंड पावर को हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये आ जाएगी x⁶, 5 वाली क्या है, सिम 1 है, 3x⁵, 4 वाली कितने आ गए, 4 वाली यहाँ पर है एंड दिस वन, तो ये आ गया 6x⁴। नेक्स्ट क्यूब वाले को देखेंगे, 1 यहाँ पर 6, तो ये आ गया 7x³। स्क्वायर वाले को देखेंगे, 3 + 3 आपका अगेन आ गया 6, एंड ये रहा 6x², फिर x वाले को भी आप कैलकुलेट कर लेंगे कितने कितने हैं, 3x
गिवन है, ओके वो वन है फिर वन, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ओके तो सिंपली क्या करना है, हमने क्या किया, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज करो अभी फिलहाल, जैसे कि अगर लोअर पावर है तो आप उसको फॉर्मूला में अपना डाल सकते हैं, और एल्स हम बाइनोमियल थ्योरम को भी यूटिलाइज करेंगे, बेटर रहेगा बाइनोमियल थ्योरम एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके आई होप आपको ये क्वेश्चन, एंड ये चीज ध्यान रखोगे कभी भी हमें अगर थ्री टर्म एक्सप्रेशन दिया है तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो को अज्यूम करेंगे कि वो सिंगल फॉर्म में है। ओके सो अब यहाँ पर देखते हैं कि अगर ये हमारा पहले से ही सिंगल टर्म में दिया है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो वन नहीं आई मीन टू टर्म नहीं दिया है, थ्री टर्म नहीं दिया है, हमारा सिंगल टर्म दिया, तो अब क्या करेंगे, इसको हम स्प्लिट कर देंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे उसको भी देख लेंगे, जैसे कि हमारा दिया है 10.1, 10.1 टू द पावर 5 है। सिमिलरली अगर कुछ दिया है 98, तो सेम आप इस टर्म को दिया है तो हम 100 माइनस 2 कर सकते हैं, राइट। जैसे हमने पहले कैलकुलेट करते थे राइट, तो हमारा टर्म क्या है 10.1 टू द पावर 5, इसको हम मतलब कि एक्सपैंड कैसे करेंगे, स्प्लिट कैसे करेंगे, तो ये इस तरीके से आ जाएगा 10 प्लस 0.1 टू द पावर 5, इस तरीके से लेंगे। अब देखो हमारे पास कितने एक्सप्रेशन मिले, टू एक्सप्रेशन मिले, एक 10 है एंड आई मीन कितने टर्म मिले, सॉरी कितने टर्म मिले 10 और एक 0.1। अब हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑब्वियस ऑपरेट कर सकते हैं, तो हमारा फर्स्ट n की वैल्यू क्या है, nth की वैल्यू है हमारा पावर कितना है 5 है, फर्स्ट टर्म क्या है 10 है, सेकेंड टर्म क्या है 0.1 है। अब इसको हम लेकर के आगे सॉल्व करेंगे, तो टर्म आ गया nc, काउंट हमारा स्टार्ट होगा 0 से, तो पावर ही डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ है पावर 5 से, 5c 0, काउंट 0 से स्टार्ट करेंगे। अब a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है हमारा 10, ठीक है, तो ये आ गया आपका 10 टू द पावर 5। b की वैल्यू क्या है 0.1, 0.1 का पावर क्या हो जाएगा 0, 5c 1, जितना हमारा काउंट है, ये चीज ध्यान रखेंगे, जो हमारा काउंट है b की पावर वही होगी, ठीक है, और हमारा जो a की वैल्यू है वो क्या होगी, नंबर ऑफ जो टोटल पावर माइनस जो हमारा काउंट है, जो एलिमेंट जो टर्म हमारा काउंट कर रहे हैं, ठीक है, तो 5c 1, 10 टू द पावर 5 माइनस 1 ये 4 हो गया, 0.1 का पावर 1, 5c 2 ये 10 टू द पावर 3 हो गई, ये 0.1 स्क्वायर, ओके प्लस 5c 3, 10 स्क्वायर 0.1 के क्यूब, 5c 4, 10, 5 को माइनस 4 क्या होगी 1 हो गई, प्लस 0.1 टू द पावर 4, 5c 5, 10 की पावर क्या हो गई 0। अच्छा यहाँ पर मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कह दी क्या, कि यहाँ पर हमने एडिशन डाल दिया, ठीक है, यह हो गया पावर 0 एंड ये टर्म आ गया 0.1 टू द पावर अगेन 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपली इसको एक्सपैंड करनी है, ठीक है, तो इसको अब एक्सपैंड किस तरीके से करेंगे, 5c 0, एज यू नो एंड सी 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, हमने कॉम्बिनेशन में इन सबको डिस्कस किया हुआ है, अगर आपने अगर कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है सो गो एंड चेक इट आउट, तभी हमारा ये जो बाइनोमियल थ्योरम है आप इसको अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर हमारा कॉम्बिनेशन क्लियर नहीं होगी ना तो हम बाइनोमियल थ्योरम भी नहीं कर सकेंगे। ओके सो मैं आपको अगेन यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आपने कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा है तो फर्स्ट उसको पढ़ें, देन उसका क्वेश्चन सॉल्व करें, एंड देन हम यहाँ पर आगे बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपैंड कर सकते हैं। ओके सो NC0 क्या हो जाती है, वैल्यू 1, ये 10 टू द पावर 5 प्लस, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0, हम 0.1 की टू द पावर 0 है, एनीथिंग टू द पावर 0 1 रहेगी, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। 5C1 की कोफिशिएंट कितना आ जाएगा 5, 10 टू द पावर 4, अब ये 0.1 है, तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे, ये चीज जो हमारा 0.1 है हम इसको 1/10 भी लिख सकते हैं, और जो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, हमारा कैंसिलेशन हो जाएगा, ये जो 10 टू द पावर 4 है या 10 टू द पावर n जिसके साथ भी, ठीक है। NC2 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, NC2 यहाँ पर बोला गया जबकि हमारा n की वैल्यू अगेन 5 है, काउंट नंबर 2 है, तो इसको किस तरीके से करेंगे, 5C2 यहाँ पर कितना आ गया 10 टू, अच्छा पहले हमें इसको कैलकुलेट करना, 5C2 को कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो ये आ गया 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 ये 3 फैक्टोरियल, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 3 फैक्टोरियल, ये अगेन आ गए 2 फैक्टोरियल 3
थ्री फैक्टोरियल ये कैंसल, टू फैक्टोरियल जो कि होती है हमारी वैल्यू टू ही होती है, राइट। तो फाइव टाइम्स ऑफ टू, फाइव इंटू टू कितने आ गए, टेन आ गए, सेम टेन वे में आ गए। टेन इन टेन टू द पावर थ्री ये आपका 0.1 स्क्वायर है। 5C3 अगेन हमारा सेम टर्म ही आ जाएगा, 10। हेलो, ओके, 5C3 है, सेम हम इसको डालेंगे तो हमारा 10 आएगी, राइट। 10 स्क्वायर 0.1 दिया है टर्म इनटू द पावर क्यूब है, इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। 5C4 है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ गया 5, ये 10, 0.1 टू द पावर 4 प्लस 5C5 को हमारा कोफिशिएंट अगेन टर्म 1 आ जाएगी, या 10 टू द पावर 0 की भी वैल्यू 1 आ गई, या हमारा 0.1 टू द पावर 5 ये एज इट इज रहेगा। ओके, अब हमें इसे सिंपली सॉल्व करना है एंड कैलकुलेट करना है। ये 10 टू द पावर 5 आ गया, 5 टाइम्स ऑफ ये 10 क्यूब हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 10 स्क्वायर, यहाँ पर टोटल अगर देखेंगे यहाँ पर क्या है 10 टू द पावर 1, यहाँ पर 10 स्क्वायर और यहाँ पर 3 है, तो ये पूरी की पूरी कोफिशिएंट टर्म क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ओके, अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 0.1 का क्यूब, राइट, 0.1 की क्यूब हो गई, प्लस यहाँ पर आपका क्या आ गया 5 टाइम्स ऑफ 0.1 का भी क्यूब। अच्छा, सेम हमने इसी को ही क्वेश्चन को सॉल्व किया एंड ये आपका अगेन आ गया लास्ट एक्सप्रेशन 0.1 टू द पावर 5, ठीक है। फिर हम इसको आप आगे आप सॉल्व कर सकते हैं, 10 टू द पावर 5 है, ये आ गया 5 टाइम्स ऑफ सॉल्व, जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे ना तो इसका टर्म डायरेक्टली आ जाएगी 105, 101.00501। ओके, इसको आप सॉल्व करो, आगे आप कैलकुलेट, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड करना है हमें इस टर्म को, एंड फिर इसी क्वेश्चन के जो वैल्यू जो आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसी वैल्यू को यूज करते हुए फाइंड करेंगे दिस वन रूट टू माइनस आई मीन रूट टू प्लस वन टू द पावर फाइव प्लस रूट टू माइनस वन टू द पावर फाइव। अच्छा, ये जब एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे ना तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे कि अगर मेरे पास क्या है x प्लस वाई टू द पावर फाइव है, x माइनस वाई टू द पावर फाइव है, तो अगर सिंपली देखोगे एन सी आर, ठीक है, एन सी आर ए की वैल्यू क्या है, अगर सपोज यहाँ पर हम x ही ले रहे हैं, चलो यार a ले लेते हैं, a टू द पावर n माइनस आर b टू द पावर r दिया गया है, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पर दिया है, एक चीज सिंपली लॉजिकल अगर हम क्वेश्चंस को देखें तो ये क्या है x प्लस वाई, ये x माइनस वाई, तो मतलब एक पार्ट में y पॉजिटिव है, एक पार्ट में y क्या है नेगेटिव है, तो मेरा y b का वैल्यू अगर देखो, b अगर मेरा माइनस में है एंड पावर अगर मेरा ऑड रहा, ऑड कब कब हो सकता है, एक b टू द पावर 1 में होगा, माइनस b का पावर अगर क्यूब रहा तो, ठीक है, फिर माइनस बी टू द पावर 5 रहा तो, इन सब का एक्सप्रेशन में जब भी हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगी। एंड सिमिलरली मतलब कि अगर सिंपल सा अगर सॉल्व करो एन सी, अगर आप इसको एक्सपेंड करके भी खुद से देख सकते हैं, और एल्स यहाँ पर अगर सिंपली हम लॉजिक लगाएं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी यहाँ पर पावर 1 के टर्म में, मतलब कि हमारा काउंट नंबर एन सी 1 के टर्म में क्या हो जाएगा पावर, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, टर्म क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा एन सी 1, ठीक है। सिमिलरली एन सी 3 में, एन सी 5 में, तो ये सब जो टर्म है हमारा और टर्म्स में क्या हो जा रहा है, पावर क्या हो रहा है नेगेटिव हो जा रहा है, और एक टर्म में पॉजिटिव रहेगा, एक टर्म में नेगेटिव रहेगा, जो कि कैंसिल हो जाएगा, तो इसीलिए हम सारे को क्या लेंगे, सारे को पॉजिटिव टर्म में ही रखेंगे, जो कि है हमारा इवन पावर्स को या फिर जीरो को रखेंगे। तो एन सी 0 हमारा कौन कौन सा कैंसिल नहीं होगा, एक 0 में जब हमारा b का पावर 0 रहा, b का पावर स्क्वायर रहा, b का पावर 4 रहा, तो इन सब में हमारा जो वैल्यू है y की ये क्या होगी, कैंसिल नहीं होंगी, ठीक है। तो हमारा काउंट कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ x y है, तो हम सिंपली कैलकुलेट करेंगे 5C0 x टू द पावर 5, y टू द पावर 0 है तो पॉजिटिव ही रह जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं। 5C2 डालेंगे x टू द पावर
क्या हो जाएगी, 3, एंड y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव ही रहेंगे स्क्वायर, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पर 2 टाइम्स निकाल लिया है, राइट। सिमिलरली 5c4, x की पावर क्या हो गई, 5 - 4 दैट इज 1, एंड y क्या पावर है, 4। अब हमें क्या करना है, हमारा टर्म मिल गया है, शॉर्ट में है, उसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आ गई 2 टाइम्स ऑफ 5c0 की कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, अगेन जैसे nc0 की वैल्यू क्या होती है, हमें याद रखना है nc0 की वैल्यू क्या होगी, 1, ठीक है। 5c0 ये x टू द पावर 5, 5c2 अभी हमने कैलकुलेट किया था, x 5c2 की वैल्यू कितनी हो गई, 10, x टू द पावर 3 y स्क्वायर, 5c4 है, 5c4 की कोफिशिएंट हमारे अगेन आ गई, 5 टर्म आएंगे इनके, x इंटू वाई टू द पावर 4, सिंपली एक्सपेंड करना है। अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारा ये तो चलो वैल्यू मिल गई, या तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 2x टू द पावर 5 प्लस 20x³ वाई स्क्वायर 10x वाई टू द पावर 4। अब हमें क्या करना है, वैल्यूज मिल गई हैं, x की वैल्यू क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर हमारा x का टर्म क्या है, x का टर्म दिया गया है √2, x की जगह में क्या लिखा गया है, √2, एंड y की वैल्यू यहाँ पर क्या दी गई है, 1। सिंपली उसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर x की जगह में सब्स्टिट्यूट करो √2, तो √2 टू द पावर 5 प्लस 20, x की क्या है, क्यूब है, तो हम इसको अगेन लिख सकते हैं 2³, एंड y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 स्क्वायर 10, x एज इट इज रह जाएगा √2, एंड y टू द 1 टू द पावर 4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 4 to 8 √2 प्लस, इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे 20 × 2√2 प्लस 10√2, आप इसको सॉल्व करो जो कि आ जाएगा 8√2, 40√2 प्लस 10√2 दैट इज 58√2। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि x अगर मेरा ये पावर नेगेटिव है तो हमारा टर्म क्या हो जाएगा, हमारा जब भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो ये जान लेंगे कि हमारा जो टर्म है ये नेगेटिव, पूरा एक्सप्रेशन को जो नेगेटिव कब करेगा, जब हमारा अगर b के पास नेगेटिव है तो जब हमारा b का जो पावर होगा, जब भी हमारे पास b की पावर होगी नेगेटिव में और उसका पावर होगी ऑड में, ठीक है, हमारा जो पावर है ये ऑड में रहेगा, तब क्या करेगा, ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन को ये बी और ए जो एन सी आर है, ठीक है, एन माइनस आर, ये आर, आर अगर मेरा ऑड है तब हमारा पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और अगर साथ में दिया है इसके, अगर पूरा एक्सप्रेशन समझो ये पॉजिटिव में है, एंड ये एक पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे करके दिया रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगी, राइट। तो सेम टर्म हमें बस लॉजिक लगाना है, आगे उसको सॉल्व करनी है, आप चाहो तो उसको एक बार एक्सपेंड करके भी चेक कर सकते हो, ओके। सेम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम प्रूव दैट 6 to the power n - 5n ऑलवेज रीव्स अ रिमाइंडर 1 व्हेन इट्स डिवाइजेबल बाय 25। जब भी हम एक 6 टू द पावर n माइनस 5n को हम 25 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा क्या एक्सप्रेशन में रिमाइंडर कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो हमारा एक्सपेंशन तो नहीं है जिसको हम करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, एक्चुअली ये एक्सपेंशन ही है, अब किस तरीके से है वो देखना है। हमें क्या बोला गया है, 6 to the power n - 5n को हम डिवाइड कर रहे हैं 25n से। यहाँ पर अब कुछ एक्सपेंशन है, ऑब्वियस है 6 to the power n है, ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 to the power n को 1 + 5 to the power n लिख सकते हैं, राइट। 6 to the power n को हम 1 + 5 to the power n लिख सकते हैं, एंड जो -5n है उसको भी फिलहाल हम एज इट इज ही रखेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ गया nc0, अब काउंट स्टार्ट फ्रॉम 0, ये करेंगे nc0, 1 to the power n, 5 to the power 0, ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व करते हुए चलो, 1 की जो भी वैल्यू आ गई हम उसको 1 ही रखते हैं, 5 आ गई, nc2 5² nc3 5³ nc4 5 to the power 4 nc5
रुको, 0 1 2, हाँ एन सी 5, ये 5 to the power 5, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर लिया, राइट। अब यहाँ पर लास्ट में दिया है -5n, सॉल्व करेंगे एंड ये हमारा टर्म फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या आ गई, वैल्यू 1। नेक्स्ट क्या आ गई, +5n। अब nc2, इसको भी यहाँ पर एज इट इज ही रखते हैं, 5 स्क्वायर। nc3, 5 क्यूब। nc4, 5 to the power 4। nc5, 5 to the power 5, -5n। अब यहाँ पर आप देखोगे ये जो -5n है +5n है, ये क्या हो जा रहा है, कैंसल हो रहा है। ये एक्सप्रेशन किसका एक्सपेंशन था, 6 to the power n की एक्सपेंशन थी, राइट। 6 to the power n -5n, ठीक है, इसकी एक्सपेंशन थी हमने जो सॉल्व किया। -5n देखोगे यहाँ पर हमने ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो 6 to the power n -5n का हमने ये एक्सपेंशन लिखा, वैल्यू क्या आया, 1+। अब सिंपल सा यहाँ पर ये ध्यान देंगे कि यहाँ पर देखो हमें क्या बोला गया, 25 से डिविजिबल चेक करना है। तो यहाँ पर देखोगे हम 5 का स्क्वायर है, 5 क्यूब है, 5 to the power 4 है, 5 to the power 5 है। यहाँ पर से हम क्या यूज कर सकते हैं सिमिलरली। अच्छा, यहाँ पर एक्सपेंड कहाँ तक होगा ये भी हमें ध्यान रखना था। तो ये आपका हमारा कहाँ तक है, एन सी एन है, क्योंकि हमारा पावर एन है, ठीक है। तो यहां तक जा रहा है, हमने यहाँ पर डॉटेड लाइन एक्चुअली डाला नहीं था, ठीक है। तो सिमिलरली डाल देते हैं, 5 to the power n, 6 to the power n, -5n को हमने किस तरीके से लिखा, 1+5n, nc2, 5 स्क्वायर, nc3, 5 क्यूब, ठीक है। अब nc4, 5 to the power 4, ये अप टू हमारा गया है ncn, 5 to the power n तक, ठीक है। अच्छा, यहाँ -5n जो कि हमारा कैंसिल हो चुकी थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा, कि ये जो 5 यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी हम 25 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, राइट। 6n -5n, यहाँ पर क्या आ गया, 1+, यहाँ से हमने क्या किया, 25 कॉमन ले गया। बचेगा क्या अंदर, nc2, ये एज इट इज रहेगा, 5 का स्क्वायर कॉमन ले गया, तो कोफिशियंट हमारा टर्म क्या बचा, 1। nc3, 5, nc4, यहाँ पर अगर हमने स्क्वायर ले गया कितना आ गया, 2। ऐसे ही करके हम ले सकते हैं ncn, 5n-2, राइट। इतना हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है, 25 से डिविजिबल है, मतलब कि हम सिंपल देखेंगे क्या, कि अगर हम 6 to the power n -5n है, प्लस अगर हम 1, ये क्या हो रहा है, 25 का कुछ भी अगर ले, 25 अगर हम सपोज एक न्यू वैल्यू ले रहे हैं, कोई भी वैल्यू है, 25 का कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है। प्लस 1 करने से हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, 6n -5n। तो इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं क्या हो रहा है, कि अगर ये टर्म को हम जब तक कि 1 से अगर सब्ट्रैक्ट ना करें, तब तक हम 25 से डिविजिबल नहीं होगी, राइट। हमारा 1 से डिविजिबल, 25 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना होगा, हम इस टर्म को 6 to the power n -5n को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करनी होगी, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि 25 से ये डिविजिबल है, राइट। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये चीज समझ में आ गया, तो ये चीज हम बोल सकते हैं, जब डिवाइड करने पे 1 हमारा रिमाइंडर लीव कर रही है, राइट। सो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया कि हम जब 6 to the power n -5n है, ये 25 से तभी डिविजिबल होने पे हमारा ये हमेशा 1 लीव रिमाइंडर करेगा, ठीक है, रिमाइंडर लीव करेगी। ओके, आई होप ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रही हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके सारे इसी टाइप्स के जितने क्वेश्चंस हैं आपको सॉल्व करनी है, प्रैक्टिस करनी है। एंड अगर आपको कहीं पर डाउट हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ अकैडमिट क्लासेस एप्लीकेशन, आप वहां पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। एंड डू डाउनलोड द अकैडमिट क्लासेस एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ एप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर। एंड आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर व्हाट्सएप नंबर एंड विद द गिवन साइट्स। थैंक यू।